सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप नाम के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आप लोगों का रिस्पांस देख करके बहुत अच्छा लगा। पिछले वीडियो में मैंने एमएस एक्सेस में ये डाला था कि कैसे आप एमएस एक्सेस में टेबल बनाएंगे और फिर उस टेबल के अंदर आप कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। आज मैं उसी के आगे, ये देखिए आपका टेबल है, सेम डिज़ाइन है, जैसे मैंने रोल को प्राइमरी रखा था, नेम एड्रेस रखा था, वही है। और आप पाएंगे, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, कि ये अभी भी एम्प्टी है। पिछले बार मैंने भरा था इसमें कुछ रिकॉर्ड, लेकिन ये एम्प्टी है। इसका इसके पीछे कारण है, मैंने जान के इसको एम्प्टी किया है। अभी मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जा रहा हूँ और देखिए अब कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज इंटर द रोल ऑफ द स्टूडेंट, है ना। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, चलिए सही है। वैलिडेट रूल में मैं डाल दे रहा हूं ग्रेटर देन जीरो, ताकि रोल कभी भी जीरो या उससे कम ना हो। रिक्वायर्ड फील्ड में यस कर दे रहा हूं, हालांकि प्राइमरी की रहने पे जो है वो यस हो ही जाता है, लेकिन चलिए इस ये क्यों है, इसका क्या काम है, ये पता चल जाएगा एटलीस्ट इसकी वजह से। उसी तरह से नेम में मैं यहाँ पे कैप्शन में डाल दे रहा हूँ, प्लीज इंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर भी रिक्वायर्ड, अगर स्टूडेंट है तो उसका नाम तो होगा ही बिल्कुल, हाँ। अलाउ जीरो वैल्यूड, नहीं भैया, नो, जीरो वैल्यूड क्यों। एड्रेस के साथ भी मैं वही करने वाला हूँ कैप्शन में, प्लीज इंटर द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। वैलिडेशन रूल रिक्वायर्ड में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एड्रेस तो होगा ही होगा, यस कर दे रहा हूँ। अलाउ जीरो जीरो लेंथ, नहीं भाई, एड्रेस होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा करने के बाद मैं कंट्रोल एस करके इसको यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। अभी भी आप टेबल को खोल के देख लीजिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। अब मैं यहाँ से यहाँ ऑल टेबल्स के एरो पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ टेबल है, मैं यहाँ क्रिएट में जा रहा हूँ। क्रिएट में देखिए आपके पास सबसे आसान उपाय है फॉर्म का विजार्ड चलाना। फॉर्म डिज़ाइन करने से अच्छा है फॉर्म का विजार्ड चला दें। फॉर्म बहुत वर्जन्स में यहाँ पे आपको फॉर्म विजार्ड मिल जाएगा। ये फॉर्म मैंने ले लिया, और फॉर्म जब भी बनता है एमएस एक्सेस में तो या तो किसी एक टेबल से बनेगा या फिर क्यूरी से बनेगा, जहां क्यूरी दो या दो से अधिक टेबल से रिलेटेड हो सकता है। अब देखिए ये आपका फॉर्म बन गया, कितना इजीली आपका फॉर्म बन गया,
नाम टेबल वन ही है। वाह, एक और फॉर्म बनाऊं यहां से, मोर फॉर्म्स, यहाँ फॉर्म विजार्ड, ये बेहतर है, फॉर्म विजार्ड। यहां से मैंने टेबल सेलेक्ट किया, तीनों फील्ड को सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट, ये ज्यादा अच्छा है। कॉलम यहाँ पर चारों में से चारों आप लोग वन बाय वन सेलेक्ट करके देख लेंगे अंदर क्या होता है, कैसा लुक होना चाहिए, जैसा लुक होना चाहिए वो आप तय कर लीजिए। नेक्स्ट, फॉर्म का नाम क्या रखना है, मान लिया स्टूडेंट, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट डाटा, फिनिश। ये आपका फॉर्म जो है खुल गया है ना। अब यहां आप चाहें तो जैसे रोल नंबर वन, इंटर, नाम, टैब दबाते जाइए, नाम पता लिखते जाइए, इस ढंग से मैं कुछ रिकॉर्ड डाल करके आप लोगों को ये बतलाना चाह रहा हूँ। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, एक्चुअली ये फील्ड का काम था ही नहीं, ये टेबल खुलने का। अब आप पाएंगे उससे भी फॉर्म ही बना था, वो भी एक फॉर्म था, देखिए टेबल वन भी एक फॉर्म था, वहां से भी अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट 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 करके जैसे 45, 67, नहीं सॉरी, नाम पता, मतलब मेरे कहने का है कि ये दोनों एक ही चीज है, आप यहां से बनाए या वहां से बनाए, आप टेबल वन में आके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जिस भी तरीके से टेबल बनाया है, आपने फॉर्म दो तरीके से बनाया, एक फॉर्म कहाँ से बनाया, क्रिएट के फॉर्म से, और दूसरा बनाया मोर फॉर्म्स के अंदर फॉर्म विजार्ड से। लेकिन इन दोनों ही तरीके से जो फॉर्म बना, उस फॉर्म से किया गया एंट्री जो है वो कहाँ गया, वो चला गया आपके ओरिजिनल टेबल में। तो इस तरह से आपने एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा हिस्सा बना दिया अनजाने में। देखिए खेल खेल में क्या हो रहा है, अगले वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट दूंगा क्योरी का, और उसके बाद उस क्योरी के वजह से क्यों कैसे दो या दो से अधिक टेबल में डाटा चला जाता है ये पता चल जाएगा आप लोगों को। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एमएस एक्सेस का ये दूसरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलरली आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप लोग अपडेटेड रहते होते जाइए। मेरा काम डेली एक एक वीडियो डालना है, वो मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक्स अ लॉट।